we are funded, and thanks for all the devotees who are assembled in the initiation. I would like to request the Nandikishwar Guru, please come to the meeting. हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। हमारा सौभाग्य आज हमारे बीच महाराज है, परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह महाराज। महाराज शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और 1971 में उनसे दीक्षा हुआ था और 1 साल बाद ही दूसरा दीक्षा हुआ और फिर श्री तमाल कृष्ण स्वामी महाराज जी से महाराज जी ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया था श्रीधाम मायापुर में। तो उसके पश्चात महाराज जी पूर्वी देशों में प्रचार करते हैं, तो मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और मायापुर में हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें वो शिक्षक भी हैं, पढ़ाते भी हैं भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव। मायापुर परिक्रमा में हर वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है उसको देखते हैं। तो इस प्रकार से महाराज रशिया भी जाते हैं, मिडल ईस्ट में आते हैं, अभी बहरेन से आए हैं, ओमान गए हैं, कुवैत, सनातन धाम भी गए पिछले साल। तो इस प्रकार से हमारा सौभाग्य है, पहली बार महाराज कुजेरा में आए हैं। भक्तों से विनती है महाराज से ध्यान पूर्वक सुनेंगे और आपका मोबाइल फोन इत्यादि बंद रखेंगे, साइलेंस में रखेंगे और लगभग आधे घंटे के लिए महाराज से सुनेंगे। How do you see approach Krishna? Yes, normally people are very afraid to hard to approach Krishna. How do you see, can you give them? No, can you say? No one is in the middle. No, I have to take them. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय We want you all to understand that Krishna can be easily approached. हम चाहते हैं आप सब समझिए कि कृष्णा से बहुत आसानी से संपर्क कर सकते हैं। Queen Kunti and Srimad Bhagavatam describes how people can easily approach Lord Krishna. कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में बताती हैं कैसे लोग आसानी से कृष्ण के पास जा सकते हैं। But Queen Kunti said you have to be tired of material life. परंतु कुंती महारानी ने कहा कि आपको भौतिक जीवन से थक जाना चाहिए। You have to become more like akinchan. आपको अकिंचन होना पड़ेगा कृष्णा से संपर्क करने को। Akinchana means don't have anything, give them everything. अकिंचना मतलब आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग कर दिया है। Would you like that? Yes. पसंद है अकिंचन होना? Yes. We are attached in the material world. We are attached to a lot of bad things. भौतिक जगत में हम बहुत बुरी चीजों से आसक्त हैं। First of all, people are attached to meat eating. सबसे पहले लोग आसक्त हैं मांस खाने से। Bengali people are mad in eating fish. बंगाली व्यक्ति को बहुत आसक्ति होती है मछली खाने से। So meat, fish, and eggs, they're not good things for devotees. तो मांस,
मछली और अंडा ये भक्तों के लिए अच्छी चीज नहीं है. Lord Krishna does not eat those kind of foods. तो भगवान कृष्णा इस प्रकार का खाना नहीं खाते हैं. We want to be friend. We want to make friendship with Krishna. We have to know what he eats. You have to know how to please him. आपको कृष्णा से दोस्ती करनी है, तो जानना होगा कृष्णा क्या खाते हैं, उनको क्या पसंद है. Right? Krishna in Bhagavad Gita says, "Patram pushpam." Yes, he does not say mums. Michley and no, he says leaf, flower, fruit, what? But Lord Krishna is not greedy to get our fruit or our flowers because he has many Lakshmis who are serving him in the spiritual world. So Bhagavan Krishna Bhagavad Gita mein kehte hain patram pushpam phalam ho, wo nahi kehte maas machli anda unhe dene ke liye. तो पत्रम पुष्पम फलम तो हम के बारे में कहते हैं, लेकिन उनको हमारे पत्र पुष्प फल का जरूरत नहीं है. उनको तो बहुत सारा लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में. So we may offer some fruit, flowers, but the goddess is a fortune in the spiritual world. They have much nicer fruit, much nicer flowers. तो हम भगवान को कुछ पुष्प पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्मियां हैं आध्यात्मिक जगत में उनको और अच्छे तरीके के पुष्प और फूल हैं भगवान को देने के लिए. But Krishna wants our bhakti. That's the real thing Krishna wants you to give. तो वास्तव में कृष्ण हमसे चाहते हैं वो है भक्ति, वो वास्तविक चीज भगवान चाहते हैं हम उनको दे. But if we are attached to material things like meat, fish and egg, then we won't be able to please Krishna. परंतु अगर हम भौतिक चीजों से आसक्त हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, तो हम कृष्ण को कुछ अर्पित नहीं कर सकेंगे, उनको प्रसन्न नहीं कर सकेंगे. You may say, "Well, I'm chanting Hare Krishna. Is that not enough?" तो आप बोल सकते हैं कि मैं हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? No, it's not enough. नहीं, काफी नहीं है. Krishna wants quality in the chanting. He wants you to chant with love, with devotion. Krishna आपके जप में गुण से जप करना है चाहते हैं. वो चाहते हैं आप अपने जप करो तो भक्ति और भावना के साथ करो. So, when we chant Hare Krishna, there's 10 offenses which we chant every morning. So, जब हम हरे कृष्ण जपते हैं, 10 नाम अपराध हैं जो हम हर सवेरे बोलते हैं. Right? आपको जानते हैं 10 अपराध? No. आप जानते हैं 10 अपराध? Yes. सबको पता है 10 अपराध कौन सा है? मैंने अपराध नहीं. I don't know. Well. First offense is to blaspheme the devotee. पहला अपराध है साधु की भक्त की निंदा करना. We have to have nice relationships with the devotee. भक्तों के बीच में आपस में अच्छा संबंध होना चाहिए. No quarreling, no arguing. आपस में मतभेद नहीं, झगड़ा नहीं. We have to live together peacefully. हमको एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहना. The second offense is the names of devas to be equal to the name of Krishna or Vishnu. दूसरा अपराध है ये सोचना कि देवी देवता के नाम कृष्णा और विष्णु के नाम के बराबर है. Even 1,000 names of Vishnu, 1,000 names of Vishnu is equal to how many names of Lord Ram? हजार नाम विष्णु का कितना नाम भगवान राम का बराबर है? 1,000 नेम विष्णु, how many नेम ऑफ राम? 4 रमे रमे नमो रमे सहस्रा नाम विष्णुयाम श्री राम नाम. You know,
Sahasranam, Vishnu Sahasranam. Lord Shiva said to his wife, शिव जी अपनी पत्नी को कहते हैं पार्वती को के विष्णु जी का हजार नाम भगवान राम का एक नाम का बराबर है एंड थ्री नेम्स ऑफ लॉर्ड राम वन नेम ऑफ कृष्ण और तीन नाम भगवान राम का एक नाम कृष्ण का बराबर है So that the third offense is to disobey the order of the spiritual teacher. तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा गुरु का आदेश को पालन नहीं करना. Anybody, how many of you got diksha here? How many people? कितने भक्तों का diksha हो गया है इधर? Everybody takes diksha. They're supposed to learn 10 offenses before you get diksha. तो आप जिन्होंने भी यहाँ पे diksha लिया है आपको 10 अपराध सीखना चाहिए दीक्षा लेने के पहले एवरी मॉर्निंग वी विल रिसाइट 10 ऑफेंसेस हर सुबह हम 10 अपराध बोलेंगे हाउ मेनी पीपल चैंट 16 राउंड्स कितने भक्त 16 माला कर रहे हैं गुड यस सो यू हैव टू चैंट द 10 ऑफेंसेस अच्छा है तो आपको 10 अपराध भी रोज सुबह जपना है द थर्ड ऑफेंस Disobey the order of the spirit. Prabhupada is a spiritual teacher. तीसरा अपराध है गुरु का अवज्ञा करना उनका बात नहीं मानना उनका आदेश नहीं सुनना प्रभुपाद जी भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं. So Prabhupada said, we have to chant with love and devotion. प्रभुपाद ने कहा हमको प्रेम और भक्ति के साथ जप करना है. And if we have love and devotion, we will follow four steps. और अगर प्रेम और भक्ति है तो चार नियम का पालन करेंगे फोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन धर्म धर्म के चार नियम है फर्स्ट क्लीनलीनेस वेरी इंपॉर्टेंट पहला है स्वच्छता Not just only changing the cloth and taking bath, but cleaning the heart. केवल स्वच्छता का मतलब है केवल कपड़े बदली करेंगे और स्नान करेंगे नहीं हृदय को भी शुद्ध करना है How to clean the heart? हृदय कैसे शुद्ध करें कीर्तन मोर कीर्तन मोर भगवान सेवा तो हरि नाम से हृदय शुद्ध होगा और अधिक कीर्तन और अधिक भगवान का सेवा First is cleanliness. Second one, mercy. If you eat meat, fish, and egg, then you've not got mercy. तो पहला है स्वच्छता, दूसरा धर्म का सिद्धांत है कृपा. अगर आप मांस, मच्छी, अंडा खाते हैं, मतलब आपका हृदय में कृपा नहीं है. नहीं. So somehow you have to try to be vegetarian. तो कैसे ना कैसे आपको शाकाहारी होना. So, meat, fish, and egg, they're not clean. You have to kill the animal to eat these things. So, machi, maas, aur anda, ye swachh nahi hai. Aapko janwar ko marna padta hai ye khane ke liye. So, devotees, bhakta log, they will be vegetarian. Not just vegetarian, we say Krishnaterian. We want to eat prasada. तो भक्त लोग वो शाकाहारी होते हैं केवल शाकाहारी ही नहीं भक्त तो कृष्णाहारी होते हैं जो कृष्णा खाता है वो ही खाता है हम केवल प्रसाद ही खाते हैं How many of you can be vegetarian? यहाँ पर से कौन कौन शाकाहारी हो सकते हैं यहाँ पर सब शाकाहारी है तो कौन कौन मांसाहार छोड़ के शाकाहारी होना चाहते हैं तो आप होंगे अभी शाकाहारी माता जी
All are vegetarian? Yes. Sometimes people say fish is vegetarian. Okay, very good. So then, third offense, the fourth offense is to blaspheme the scripture. चौथा अपराध है शास्त्र का निंदा करना. That means you have to read the book regularly. Read Bhagavad Gita or some book by Prabhupada. इसका मतलब है आपको नियमित रूप से शास्त्र पढ़ना है. भगवत गीता पढ़िए या प्रभुपाद जी का लिखा हुआ पुस्तक पढ़िए. Right, we've got the books in Bengali language, we've got them in Hindi language, we've got them in English language, all the languages. Bengali भाषा में भी पुस्तक है, हिंदी में भी पुस्तक है, अंग्रेजी में भी पुस्तक है, सब भाषा में पुस्तक है. So you have to read a little bit regularly. नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. So like the other 10 offenses, you could learn, it's good to know the 10 offenses. इस प्रकार से 10 अपराध हैं आपको सीखना है. अच्छा है 10 अपराध जानना. One of the offenses, which is quite serious, is to think that I can chant Hare Krishna and it will make up for my sins. So I will do sinful activity and I'll just chant Hare Krishna more. एक अपराध है जो बहुत गंभीर है. वो है ये सोचना कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा और साथ में पाप भी करूंगा तो मेरा पाप होता जाएगा और इधर ज्यादा हरिनाम करके उसका फल बराबर कर दूंगा. That is like the elephant takes a bath. You get the elephant nice and clean, and after they get a bath, they roll in the dirt. ये हाथी की तरह है, हाथी के स्नान करने की तरह. हाथी को स्नान कराओ, अच्छा साफ करो, फिर वो मिट्टी में अपने आप को डाल देगा. So if somebody thinks that, well, I'm going to drink tonight, there's a party, I'm going with the boys, we're going out, we're going to drink something, and then maybe tomorrow I'll chant Hare Krishna, make up for it. तो कभी आप कोई ऐसे सोच सकते हैं कि आज रात को मैं शराब पीने वाला हूँ, कोई पार्टी में जाऊंगा और कोई बात नहीं, मैं आज रात को शराब पी लूंगा, कल हरे कृष्णा जप कर दूंगा. So that's a serious offense. तो ये बहुत गंभीर अपराध. Krishna doesn't like that kind of chanting. उस प्रकार का जप भगवान को पसंद नहीं. So we have to be careful. आपको सावधान रहना. So four principles are necessary. Chanting 16 rounds and four regulated principles. तो 16 माला का जप करना और चार नियम का पालन करना ये जरूरी है. No meat, fish and egg. No intoxication. No gambling and no illicit sex. तो मांसाहार नहीं करना, नशा धूम्रपान नहीं करना, जुआ इत्यादि नहीं खेलना और अवैध स्त्री संग नहीं करना. Intoxication, many things. Beer, people want to drink alcohol. Not so much here, but in India, people drink a lot of alcohol. तो नशे में बियर भी आता है, लोगों को दारू पीना है. यहाँ पर इतना नहीं है पर भारत में लोगों को शराब बहुत पीने का इच्छा होता है. Smoking cigarettes, this is also not good. सिगरेट पीना ये भी अच्छा नहीं है. The white flute, you know, like the white flute. सफेद बांसुरी है. Better is to chant Hare Krishna. Better is Hare Krishna jap karna. And that can help you to control the mind and will protect you from all the dirt and the disease which you get from the bad habits. तो हरे कृष्ण जप करना आपको सुरक्षित रखेगा क्योंकि आपको मन में नियंत्रण कैसे करना है. हरे कृष्ण महामंत्र से आप मन पे काबू कर सकोगे
और गंदी आदतों से और बीमारी से सुरक्षित रहो. So to stop the bad activities, to give up the bad activities, you have to have good activities. तो बुरी बुरे कार्यों को छोड़ने के लिए आपके पास कोई अच्छे कार्य होने चाहिए. We have to do something. We have to have activities. The soul, the nature of the soul is to be active. तो हमें कुछ बुरा काम छोड़ने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा. जो जीव आत्मा का स्वभाव है वो है कार्यशील रहना, वो कुछ करते रहना चाहते हैं. So, what can we do for Krishna? तो क्या कर सकते हैं कृष्णा के लिए? Well, we said, chanting first of all, Bolo Krishna, chant the names of Krishna, try to chant 16 rounds in the day. तो सबसे पहले भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, बोलो कृष्णा. कम से कम 16 माला दिन में जप करने का प्रयास करें. And then bhajo Krishna, worship Krishna. और फिर bhajo Krishna, कृष्णा का पूजा करो. Before we came here, we went to your center. We saw the temple, Premalesh temple. We saw the deities, Gornitai, Radha Krishna, Jagannath Balaji, Subhadra. Can go there, to the service there, do seva. So, here, from coming, we went to your center. We went to Prem Desh. So, there we saw the vigra. We were doing the arti there. Shri Gornitai, Jagannath Balaji, Subhadra, Radha Krishna. So, in this way, you go to the center. Do some seva there. Bhante ji, they can make the dress for the deity. जो जो माता जी हैं वो भगवान के लिए वस्त्र बना सकती हैं. And if they are initiated, they can also offer the arti. और अगर उनका दीक्षा हुआ है तो वो आरती भी कर सकते हैं. And they can make the garlands for the deities. वो भगवान के लिए फूल की माला भी बना सकते हैं. And then there's cooking to be done for the deities. विग्रह के लिए खाना भी पकाना है. And there's also Sangha for the ladies. और महिलाओं के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी सत्संग है, संघ है. Right? You get the ladies together and you have your own sangha. You can have some lady gives a class and you discuss. तो सब महिलाएं एक साथ इकट्ठे होइए और आपका अपना संघ चल सकता है. तो सब महिलाएं इकट्ठे होंगे, एक माता जी क्लास दे सकती है, कथा दे सकती है. And the men also, they also have to do these things. और जो पुरुष हैं उनको भी ये काम करना है. They also have to worship Krishna. आपको भी कृष्णा का उपासना करना है. They have to offer the arti, do the puja. आरती करना है, पूजा करना है. They have to read the book about Krishna. Krishna के विषय में जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ना है. Right? You have to read the, first of all, you should try to read the Bhagavad Gita. सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए भगवद गीता पढ़ने के लिए. And we have classes, you can do also online, you can study Bhagavad Gita. और आपको बहुत कथाएं इस विषय में होती हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं. You want to hear Hindi, you want to hear Bengali, you want Tamil, all the languages is there. आपको हिंदी में सीखना है, बंगाली में सीखना है, तमिल में सीखना है, सब भाषा में सीख सकते हैं. We are putting all these classes there for all the devotees. ये सब कथाएं हम वहाँ पर डाल रहे हैं सब भक्तों के लिए. So you can hear on the, everybody has got a mobile phone, right? You all have your mobile phone. सबके पास मोबाइल फोन तो है. This is how you use your mobile phone to hear the classes of Bhagavad Gita. तो ऐसे आप मोबाइल फोन का उपयोग कीजिए भगवद गीता के विषय में कथा सुनने के लिए. Lord Chaitanya told Lord Nityananda and Haridas to go and preach. भगवान चैतन्य ने श्री नित्यानंद और हरिदास को कहा जाके प्रचार करने के लिए. सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास, प्रीति करी करी गया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्णा, बजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा. चैतन्य महाप्रभु ने कहा सुनो सुनो नित्यानंद हरिदास, प्रति घरे घरे किया खोरो ये भिक्षा, भजन कृष्णा बोलो कृष्णा खोरो कृष्णा शिक्षा.
Lord Chaitanya wanted Lord Nityananda and Haridas to go everywhere, every door, and beg the people, chant the name of Krishna, worship Krishna, read the books about Krishna. चैतन्य महाप्रभु चाहते थे नित्यानंद को जो हरिदास हर घर घर जाएं और सबसे विनती करें, सबसे भीख मांगे कि कृष्णा के बारे में बोलो, कृष्णा की पूजा करो और कृष्णा शिक्षा समझो. And Lord Nityananda is very bold, very brave. He went to the two drunkards, Jagai and Madhai. और भगवान नित्यानंदा वो बहुत गंभीर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं. वो ये दो शराबियों के पास गए, जगाई और मदाई. जगाई और मदाई, they were very fallen souls. They were very sinful. जगाई और मदाई बहुत गिरे हुए जीव थे, बहुत पापी थे. They did every kind of sin. उन्होंने हर प्रकार का पाप किया. But Lord Nityananda thought, I will go to them, I will get them to chant the holy name. Then everyone will know the mercy of Mahaprabhu. परंतु नित्यानंद प्रभु ने सोचा, मैं इनके पास जाऊंगा, इनसे भगवान का नाम बुलाऊंगा, फिर सब कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में जानेंगे. महाप्रभु is pati pavan, he can deliver the fallen soul. महाप्रभु पतित पावन है, वो पतित जीवों का उद्धार कर सकते हैं. Right? There are many fallen souls everywhere. हर स्थान में बहुत गिरे हुए जीव. We can all be delivered by the mercy of Mahaprabhu. सबका उद्धार हो सकता है महाप्रभु की कृपा से. Nityananda, he had that mood. He wanted to serve Lord Chaitanya. नित्यानंद प्रभु को वो मनोभावना थी, वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते थे. Right? You know Nityananda there in Panchatattva? जानते हो नित्यानंद प्रभु पंचतत्व में? Right? चैतन्य महाप्रभु is there in the middle. बीच में चैतन्य महाप्रभु. And then Lord Nityananda is there. Right. On the right. Lord Chaitanya. उसकी दाई तरफ नित्यानंद प्रभु. Who is Nityananda? Nityananda is Balaram. Who is Nityananda? Nityananda Balaram. Brajendra Nandana se sachi sutta hai lahi. Balaram hai lo. Lord Chaitanya has come. Lord Chaitanya is the son of Sachi. He is Lord Krishna. And Balaram is coming as Nityananda. So, Sakshi Mata ke putra Krishna hai, aur Balaram aaye hai Nityananda Prabhu ke taraf. And Lord Nityananda is so kind. Lord Nityananda, because he is the Adi Guru, he is Balarama, he is Adi Guru. Krishna is Bhagwan, Balaram is Adi Guru. So, Nityananda is also the Adi Guru. Is giving mercy. तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान है और बलराम आदि गुरु है. यहाँ पर चैतन्य लीला में भी नित्यानंद प्रभु बलराम है, वो आदि गुरु है, वो कृपा दे रहे हैं. He wants everyone to chant the holy names of Lord Krishna. तो चाहते हैं हर कोई कृष्ण का नाम बोले. The mercy of Lord Nityananda is unlimited. भगवान नित्यानंदा की कृपा असीमित है. There was one devotee. He got involved in some maya. So they told Prabhupada, Prabhupada, that disciple of yours, he's in maya. So Prabhupada said, you tell him he better come back and stop all this nonsense, otherwise I will give him up. तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो गलत कार्यों में घुस गए, माया के कार्यों में. तो प्रभुपाद के दूसरे शिष्य ने उनको आके कहा कि वो ऐसे गलत कार्य में घुस गए हैं. तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि उसको जाके बोलो कि वो सब गलत कार्य छोड़ दें, मैं उसको त्याग दूंगा. So the devotee was surprised, said, Prabhupada, would you really give him up? तो भक्त आश्चर्यचकित हो गए, बोले प्रभुपाद, क्या वाकई उसको त्याग दोगे? Prabhupada said, actually, he said, I cannot give him up. He said, the mercy of Lord Nityananda is unlimited.
रूपा जी ने कहा वास्तव में मैं उसको त्याग नहीं सकता। नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है वो असीमित है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। So we want to get the mercy of Lord Nityananda. Swami Nityananda Prabhu ki kripa chahiye. And we can get the mercy of Lord Nityananda when you take up the mission of Lord Nityananda to deliver the fallen souls, to go out and distribute Krishna consciousness. So we can get the mercy of Lord Nityananda तब प्राप्त होगी जब हम नित्यानंद प्रभु का लक्ष्य उठाएंगे अपने हाथों में कि जो बाहर जाके जो गिरे हुए जीव हैं उनको कृष्ण भावना में देना। So Chaitanya Mahaprabhu is coming to Kali Yuga to deliver all the fallen souls. तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए सब गिरे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए। Chaitanya Mahaprabhu is described Namo Mahavadanaya Krishna Prima Krishnaya Krishna Chaitanya. Yes, Lord Chaitanya is so merciful. He's giving everyone the highest thing, Krishna Prem. तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है नमो महा चैतन्य महाप्रभु जो है वो इतने अत्यंत कृपालु है, वो सबसे ऊंची चीज दे रहे हैं जो है कृष्ण प्रेम। We were singing the song tonight. Paramakaruna Pahudvijana Nidani Korasa. These two lords, Dvijana, Chaitanya and Nityananda, they are supremely merciful. They are Paramakaruna. So, अब हम आज शाम में गीतियाँ गा रहे थे Paramakaruna Pahudvijana. तो ये जो दो प्रभु हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ये बहुत करुणामय हैं। Lord Rama came with his bow and arrows. He killed the Rakshasas. भगवान राम धनुष और बाण के साथ आए और उन्होंने राक्षसों को मारा। And Lord Krishna came with Sudarshan Chakra and cut off the heads of the demons. भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ आए और राक्षसों का गला काट दिया। But Chaitanya and Nityananda, they're giving love, they're making all the demons into the devotees. परंतु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सब राक्षसों को भक्त बना रहे हैं। Everyone can become devotee by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. हर कोई भक्त बन सकता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। We just have to want to get the mercy. We should be greedy to get the mercy. केवल हमको कृपा पाने के लिए उत्सुक होना चाहिए, हमको लालची होना चाहिए उनका कृपा पाने के। You want to become Krishna conscious? You have to want. You have to have a greed to get it. आपको कृष्ण भावना प्राप्त होना है, आपको लालच होना है, तीव्र लालच होना है उसे पाने के लिए। When you want something very bad, you'll do anything to get it. अगर आपको कोई चीज बहुत बुरी तरह से चाहिए होती है, आप कुछ भी करोगे उसको पाने के लिए। So we have to want to become Krishna's devotee. आपको चाहना है, ये चाहत होनी है कि आप कृष्ण के भक्त बने। Lord Krishna says he's not giving any discount. तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो कोई छूट नहीं दे रहे इसमें। You know, you go to the shop, you say, "Kam se kam, kritna rupya chahiye. Kam se kam, kitna rupya." We want the lowest price, right? We're asking everywhere. So Krishna said, "No discount. Four regulated principles." 16 तो हम कोई दुकान जाते हैं तो हम बोलते हैं कम से कम कितने भाव में दोगे, हमको कोई भी चीज कम से कम कीमत में चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ कोई छूट नहीं दे रहे, 16 माला और 4 नियम करना है। You cannot say, "Oh, I'm so busy man, I can only chant 8 rounds today." आप नहीं कह सकते हो मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, मैं आज खाली 8 माला ही कर सकता हूँ। I am a busy, I am very materialistic. I can only follow 3 principles. I can't do 4 principles. आप नहीं कह सकते हो मैं बहुत भौतिकवादी व्यक्ति हूँ,
मैं खाली तीन नियम पालन कर सकता हूँ, चार नहीं कर सकता हूँ, then you cannot get Krishna's mercy. फिर आपको कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती. Surrender to Krishna. को शरणागत होना है भगवान. Surrender requires 16 rounds, four principles. शरणागत के लिए आवश्यक है 16 माला और चार नियम. Four principles: satyam, socham, daya, tapa. These are required. चार नियम: सत्यम, सोचम, दया, तपा. आवश्यक. Queen Kunti said, if you want material life, then you want no Krishna. Maharani कहती हैं, अगर आपको भौतिक जीवन चाहिए, तो आप कृष्ण नहीं समझ पाओगे. And material life, people want. What do they want? They want Janma, Aishwarya, Shruta, and Shri. They're very attached. They think birth in the good family, very important. Thinking, I am a Brahmin, I am a high class person. So, भौतिक जीवन में लोग आमतौर पे चाहते हैं जन्म. अच्छा जन्म चाहते हैं, जन्म ऐश्वर्य सुख श्री भी तो अच्छा जन्म चाहते हैं. वो चाहते हैं, ओ मेरा अच्छा उच्च ब्राह्मण कोटि में मेरा जन्म हुआ है, मेरा अच्छा जन्म है, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ. We're thinking that birth in the family very important. हम सोच रहे हैं बड़े जन्म खानदान में जन्म लेना, बड़े परिवार में जन्म लेना ये बहुत जरूरी है. But there are many brahmanas, the big meat eaters, the drunkards. परंतु बहुत ब्राह्मण हैं, वो मांस खाते हैं और शराबी भी. They say I'm a Kali Yuga brahman. तो वो कहते हैं मैं कलयुग का ब्राह्मण हूँ. So that kind of birth doesn't mean anything, no value. उस प्रकार के जन्म का कुछ मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं. Aishwarya, we want money. People think I'm a rich person, I'm very big man, I'm very rich. हमको ऐश्वर्य चाहिए. लोग सोचते हैं मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ. How did he get the money? Oh, he lied, he cheated, he did a lot of business, cheated a lot of people and he made money. Thinking I'm a big man. तो कैसे उसको इतना पैसा मिला? उसने झूठ बोला, धोखा किया और इस प्रकार से पैसा कमाया. और अब ये करने के बाद वो सोच रहा है मैं बहुत बड़ा व्यक्ति. And then people go for education. They want to get education, and they will go and pay a lot of money to study, to get degree from the college. They think I am very educated. I am a big scholar. फिर लोग भौतिक शिक्षा के पीछे जाते हैं. बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विद्यालय में जाएंगे. बहुत पैसा देंगे और वहाँ पे पढ़ाई करेंगे और सोचेंगे ओ मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत शिक्षित हूँ. But their education is all nonsense, it's all ignorance, it's all about the body. पर उनकी जो उनका जो ज्ञान है वो सब बकवास है, वो केवल शरीर के विषय में है. They don't know the real knowledge, which is I am a soul, serving Krishna. उनको असली ज्ञान पता नहीं है, जो है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ. And then people are also very concerned about beauty. They want to look very pretty. और फिर लोग बहुत रुचि रखते हैं सुंदरता में, वो बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं. Of course, the ladies like the big face. महिलाओं को मुंह पे रंग लगाना अच्छा लगता है. And the men also go to the gym to build the muscles. और पुरुष भी जिम जाते हैं मसल बनाने के लिए. They want to look good. वो अच्छा दिखना चाहते हैं. This is the body. The body is very temporary. It's going to die very soon. हाँ, ये सब शरीर है. शरीर बहुत क्षणिक है, ये बहुत जल्दी मर जाएगा. So Queen Kunti said, if you're very concerned about these things, then very difficult to know Krishna.
तो कुंती महाराज ने कहा अगर आप इन चीजों के बारे में रुचि रखते हो तो कृष्णा के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। If you just simply chant Hare Krishna mantra, read the books about Krishna and worship Krishna, very easy to know Krishna. परंतु आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे और कृष्ण के बारे में पुस्तकें पढ़ोगे सुनोगे तो कृष्ण को जानना बहुत सरल है। Even these children are very nice devotees. ये बच्चे भी बहुत अच्छे भक्त हैं। They're putting the tilak on the forehead. Kunti mama. Kunti mama pehne. They're eating prasadam every day. Har roz prasad bhi kha rahe hain. And they're coming to the temple. Wo mandir aa rahe hain. So they will grow up to be nice to go. So bade honge acche bhakt banenge. Jai. So you're starting later in life. आपने देरी से शुरू किया। So we come here to encourage you. हमारा क्या है आपको उत्साहित करने के लिए। We want you all to go a bit faster, understand the urgency. You have to be very eager to become Krishna conscious. तो हम चाहते हैं कि अभी आप तेजी से जाओ। कितने हमको ये काम जल्दी से तीव्रता से पूरा करना है इसको समझो और अभी तेजी से आगे बढ़ो। Don't waste the time. समय बर्बाद मत करो। चाणक्य पंडित, India's great moralist teacher. Time is more valuable than money. You can buy gold, but you cannot buy time. चाणक्य पंडित जो भारत से हैं, वो कहते हैं समय पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। आप पैसे से सोना खरीद सकते हो लेकिन समय को नहीं खरीद सकते। So make the best use of our time. Use the time for Krishna to become Krishna conscious. तो समय का सही उपयोग करो, समय का उपयोग करो कृष्ण भावना भावित होने के। Of course you have to work. We know you have to have a job. You make some money, you have a job. But when you're working, you can also be chanting Hare Krishna. You can be thinking Krishna. तो बेशक हम जानते हैं सबको नौकरी चाहिए, हमको पैसे कमाना है, कुछ नौकरी करना पड़ेगा। लेकिन नौकरी करने के साथ साथ आप कृष्ण का हरे कृष्ण जप सकते हो और कृष्ण के बारे में सोच सकते हो। Arjuna had to fight battle. He had to go in the war, but he was remembering. अर्जुन को युद्ध करना था, हाँ उसको एक लड़ाई में जाना था, लेकिन उसके साथ भी वो कृष्ण को याद रख रहा था। So you go to the job every day, you go for work, still you can remember Krishna. तो आप हर रोज काम में जाते हो, आप फिर भी कृष्ण को याद रखते हो। Krishna's in your heart. Krishna's everywhere. He's in everything. He's in everyone's heart. कृष्णा आपके हृदय में है, कृष्णा हर जगह में है, वो सबके हृदय में है। We have to see him with the eye of love. हमें कृष्ण को देखना है प्रेम की नजरों से। When we read Bhagavad Gita, we will learn how to see Krishna everywhere. जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कैसे हर जगह कृष्ण को देख सकते हैं। Is there? If we want to see him. अगर हम कृष्ण को देखना चाहते हैं, वो वहाँ है। Krishna wants to help us to come back to him. Krishna hamari sahayata karna chahte hai ki hum uske paas wapas jaye. That's why he came to speak Bhagavad Gita for all of our benefit. Isliye wo aaye hum sabke labh ke liye Bhagavad Gita bolne ke liye. So we encourage all of you, please, we take this Krishna consciousness very seriously, chant Hare Krishna regularly, and hear about Krishna. तो हम सबको उत्साहित करते हैं कि कृष्ण भावना में इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, नियमित रूप से हरे कृष्ण जप कीजिए और कृष्ण के बारे में सुनिए और सबको बताइए। Alright, any questions? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। Any problem? कोई समस्या है? पूछिए, सवाल पूछिए, तब जवाब मिलेगा। सवाल पूछिए, समस्या है पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए।
Yes, Prabhu. कृष्ण महाराज जी ने कहा बाहर मच्छी मट्टी नहीं खा सकते लेकिन बाहर का सामान खा सकते नहीं खा सकते जैसे फ्रूट चाहे वो क्या वेजिटेबल चाहे होटल खा सकते नहीं खा सकते महाराज जी सेइंग वी कैन नॉट ईट मीट एंड एग्स बट कैन वी ईट वेजिटेबल फूड फ्रॉम आउटसाइड होटल एंड रेस्टोरेंट्स कंपनी सप्लाई समटाइम द कंपनी सप्लाई फूड्स There's another way to cooking something like that. That's what you're asking. If it's, you know, of course it's not the best thing, but it's better than eating meat, fish and egg. सबसे उत्तम नहीं है, परंतु मांस मछली अंडा खाने से बेहतर है. So if your job in the job they provide vegetarian food. Before you eat, you can offer in your mind to offer to Krishna. आपके नौकरी में वो अगर शाकाहारी देते हैं, तो आप खाइए और मन में कृष्ण को अर्पित कीजिए. In Kuwait, the devotees there in Kuwait, they have some devotees in they cook every day and they send the food to the camps where the men are working. Because the men cannot get vegetarian food in their camp. So we have devotees every day, they go and they send the food to the camp for them. तो महाराज बोल रहे कुवैत में आप खाना पका के ऐसे कैंप में कंपनियों में बेचते हैं जहाँ भक्तों को खाना बनाने की सुविधा नहीं है भक्त जमा होकर उन सबको प्रसाद हम पहुँचा दें महाराज जी मेरा प्रश्न नहीं है मैं जानना चाहता हूँ जैसा हम एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो कंपनी में जो हमारा साथ वाला आदमी है तो उसे का हमेशा ऐसे को मीट मच्छी वगैरह खरीद करके देना पड़ता है खरीद करके देना पड़ता हाँ तो ये जो मैं दे रहा हूँ उसमें हमारा अपराध हो रहा है आपको खरीद करके देना पड़ता है हाँ क्योंकि ये कंपनी का जैसा कंपनी पे कर रहा है कंपनी पैसा दे रहा है हमारा ट्रेडिंग का जो तो कंपनी का लोग को खाना देना है मुझे ला के तो मुझे ही जाना है तो उसमें ये लोग तो हमारा तरह शाकाहारी नहीं प्रसाद नहीं ले रहे हमेशा लोग को मीट मच्छी चाहिए हम जो दे रहे हैं उसमें हमारा अपराध है महाराज इससे जॉब ऑफर ड्राइवर And many times for other staff people, he has to buy meat and give them food. It's his job. So is he committing offense by doing that? His job is to provide these people food. Difficult job. बहुत मुश्किल नौकरी है. Not a very good job. अच्छा नौकरी नहीं है. You get some karma for that. Everything you do, you get karma. You don't do it for Krishna. So of course, it's unfortunate that you have to bring meat for people. तो अच्छा नौकरी नहीं उसके लिए आपको कुछ कर्म लगेगा कुछ भी काम कृष्ण के लिए नहीं करेंगे उसमें कर्म लगता है और ये थोड़ा दुर्भाग्य का बात है कि आपको दूसरों के लिए मांस मछली लड़ना पड़ रहा है Find another job. This one only looks at your job. We don't want to get involved. Cooking meat, just like sometimes the wives, her husband wants meat, husband's not a devotee, and the husband wants meat. And the wife is supposed to cook the meat. Does she get karma? तो कभी कभी हम देखते हैं कि
पत्नी भक्त है लेकिन पति भक्त नहीं है, और पति को मांस इत्यादि खाना है और पत्नी को पका के उसको खिलाना पड़ता है, तो क्या उसमें कर्म लगता है? हाँ लगता है। You have to be a better cook. If you're really a good cook, you make such nice vegetarian food, the man will be happy, but he won't answer me. If you cook very nice prasad. So, आपको अच्छा रसोईया होना है। अगर आप शाकाहारी चीज अच्छा से ऐसा पति को बना के खिलाओगे तो मांस सब खाना भूल जाएगा, आपको अच्छे से पकाना आना चाहिए। The problem is a lot of people are not very good cooks. They don't cook very good. You know, you think only rice and dal, and they don't cook anything else. बहुत सारे व्यक्तियों को अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है। शाकाहारी मतलब वो समझते हैं चावल और दाल बस, जब पढ़ना का बात के भी जब रुचि नहीं आता है हो गया ना। आफ्टर चैंटिंग आल्सो देयर इज नो टेस्ट फॉर चैंटिंग, देन यू डिडंट चैंट एनफ। आपने अच्छे से जितना जप करना है उतना नहीं किया और करो। यस इन द बिगिनिंग वी डोंट हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग, इट्स ट्रू इन द बिगिनिंग बिकॉज़ यू हैव जॉन्डिस। Just like if you, when you have jaundice, you know, then you drink sugar cane, but the thing is sugar. So in the beginning, when you start chanting, you don't have a taste, you don't feel any pleasure in it, because we're still materially contaminated by material life. तो पहले ये बात सही है, आपको जब से रुचि नहीं लगती है क्योंकि उनको जॉन्डिस है, पीलिया ये बीमारी है ना, तो ये बात पहले सही है कि हमको जब करने में कुछ रुचि नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जब करते रहेंगे तो रुचि आना चाहिए। So what the cure? More chanting. इलाज क्या है? और ज्यादा जब। If you keep chanting, gradually you'll get taste for the chant. अगर आप जब करते रहोगे धीरे धीरे आपको रुचि आएगी। You have to be more determined to chant. आपको दृढ़ होना है जब करने के लिए। We're told there's so much nectar in the holy name of Krishna. The holy name of Krishna is Chintamani. It can fulfill all your desires. But you're not tasting the nectar. हमें कहा गया है भगवान के नाम में इतना अमृत है वो हमारा पूरा इच्छा पूरा कर सकता है, परंतु हम लोग का दुर्भाग्य हम लोग वो स्वाद नहीं कर पा रहे। Because you've got so much jaundice, you're so much blind by the material energy, you're not able to taste the nectar of Krishna. क्योंकि हम सबको ये पीलिया का बीमारी है, हम सब हमारा आंखें ढका हुआ है भौतिक शक्ति के कारण से, तो हम भगवान के नाम का अमृत नहीं रसा स्वादन कर पाए। Keep chanting, don't give up, be determined, and one day you will taste the nectar. परंतु जब करते रहिए, दृढ़ता से कीजिए, छोड़िए नहीं, और एक दिन आप अमृत का रसा स्वादन करोगे। Okay, so we have to stop. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for all the devotees who are assembled here. His Holiness Bhakti Mevnasa Nasadev Guru Maharaj Ki Jaya. So he said, go to Mahande. Give the time limit for the pending time limit. We will short the class temporarily. And we will request to Maharaj to come again. And our, he entered the Dubai. We request to come again to visit the video. And we are from our association,
I give a lot of thanks to Guru Maharaj. And Guru Maharaj has lived in the Mayapur Institute of Art. This is one of the main seva from Maharaj. So anybody have any doubt about the Mayapur Institute, how they are teaching spiritual thing, you can connect with the, this case Nandakishore Prabhu. Yes. Prabhu is Mukhya Seva actually in the ISKCON. Mayapur is teaching the spiritual thing. Normally we teach the, we learn as the material knowledge, but yes, spiritual knowledge from the Mayapur Institute. Thank you, Mayapur. Hare Krishna. Hare Krishna. Please come to take your prasad from Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.